विश्वविद्यालय। सभी कैडर के जितने भी यूनियंस हैं क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री एंड फोर का आज पूरे देश स्तर पर सभी सेंट्रल ऑफिस जोनल ऑफिस रीजनल ऑफिस ब्रांचेज एंड सेटेलाइट ऑफिस सभी आज पूरी तरह से बंद हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं भारत सरकार से जो उनकी एंटी एम्प्लॉय नीति है और पब्लिक सेक्टर को बेचने का जो LIC में भी IPO लाने का जो उन्होंने कार्यक्रम रखा है अपनी नीति में उसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं क्योंकि LIC के पास इतना एसेट है कि यदि हमें पूंजी की ज़रूरत है तो सबसे विश्व की सबसे बड़ी सेविंग करने वाली भारतीय जीवन बीमा निगम है। इसके निजीकरण जानबूझकर इसको निजीकरण हाथों में देने के लिए IPO लाने का प्लान बनाया है जिसका हम लोग सभी कैडर के साथ ही इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा वेतन समझौता 1 अगस्त 2017 से ड्यू है जो भारत सरकार एंटी एम्प्लॉय और एंटी पीपुल नीतियों के तहत इसको नहीं दे रही है। इससे सभी कैडर के लोग एजिटेटेड हैं और हम लोग इसका विरोध इस हड़ताल के माध्यम से कर रहे हैं। मैं अशोक कुमार सिंह इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन आरा बेस के सेक्रेटरी एवं पटना डिवीजन ज्वाइंट सेक्रेटरी।